हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नीतीश राय व्लॉग्स में। और हम आ चुके हैं मुंबई और अभी हम हैं चर्च गेट में और हम जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया। हम लोग का वनडे मुंबई टूर प्लान है एक दिन में और हम लोग स्पेशली आए हैं जुहू बीच देखने और फिर गेटवे ऑफ इंडिया देखने। तो अभी हम हैं चर्च गेट पे और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया और चल आपको गेटवे ऑफ इंडिया चल के वहाँ का व्यू दिखाते हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे मरीन ड्राइव और जुहू बीच। कोशिश करेंगे ये दोनों कवर कर लें और अगर टाइम बचा तो और भी प्लेसेस कवर करने के लिए ट्राई करेंगे। तो चलिए चलते सीधा गेटवे ऑफ इंडिया और वहाँ का व्यू दिखाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस, ये बोर्ड है गेटवे ऑफ इंडिया का और हमें अभी आगे सीधा जाना है और ये रास्ते का व्यू है। चर्च गेट से उतर के आपको कुछ इस तरीके का व्यू देखने को मिलेगा गेटवे ऑफ इंडिया जाते समय। तो फ्रेंड्स, अभी हमें गेटवे ऑफ इंडिया के सामने पहुंच चुके हैं और चर्च गेट से कोई ज़्यादा दूर भी नहीं था, पता भी नहीं चला, चलते चलते बड़े आराम से आ गए। और यह है गेटवे ऑफ इंडिया और इसके ठीक सामने है ताज होटल और ये देख सकते हैं ये है ताज होटल और ये भी कोई होटल है ताज होटल के बगल में। और ये अरब सागर देख सकते हैं, अरब सागर का व्यू। ओ भाई, और ये अपना गेटवे ऑफ इंडिया। और ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये अरब सागर के ठीक किनारे बसा हुआ है और इसके जस्ट बगल में ये है ताज होटल, ये देख सकते हैं आप। और आप उधर जो देख रहे हैं उधर अरब सागर है और बहुत सारे बोट्स खड़ी हैं वहाँ। और ये देख सकते हैं ये बोट वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे। तो अभी चलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया के उस तरफ और उसके बाद आपको वहां से दिखाते हैं। ये अभी आ चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक बगल में और इसके अंदर से एंट्री अलाउ नहीं है तो ये देख सकते हैं यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है गेटवे ऑफ इंडिया का और ये अरब सागर का। तो गाइस, अभी हम बैठे हुए हैं गेटवे ऑफ इंडिया के बगल में और तो अभी यहाँ से चलेंगे एलिफेंटा केव के लिए जो कि बोट से जाना पड़ता है और इसका जो भी टिकट फेयर है अभी चल के पता करेंगे कि एलिफेंटा केव जाने के लिए जो बोट का टिकट फेयर वो कितना है। पीछे देख सकते ताज होटल और यहाँ से चलते हैं और पता करते हैं बोट का फेयर कितना है, उसके बाद आपको एलिफेंटा केव का व्यू दिखाते हैं। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं इंडिया गेट से बाहर और जो प्लान था हम लोगों का एलिफेंटा केव जाने का, तो मैंने वहाँ पे पता किया जो कि टिकट था 225 रुपये का था जाने और आने का और टोटल 4 घंटे लगते और हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि 4 घंटे एलिफेंटा केव में स्पेंड कर दें, क्योंकि अभी आज शाम को ही ट्रेन पकड़ के हमको 4 बजे से वापस भी जाना है। तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया अब हम लोग यहाँ से चलेंगे सीधे मरीन ड्राइव। तो चलिए चलते मरीन ड्राइव और वहाँ का व्यू आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप इंडिया गेट से जैसे ही बाहर आएंगे कुछ ऐसा व्यू है, बहुत ही शानदार व्यू है आप देख सकते हैं।
और ये देख सकते हैं मुंबई सिटी। मरीन ड्राइव जाने के लिए यही से होके जाना पड़ता है। व्यू है मरीन ड्राइव जाने का, मरीन ड्राइव चौपाटी करके है, तो वहाँ जाने का ये व्यू है। और आप चाहें तो गेटवे ऑफ इंडिया से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही यहाँ जा सकते हैं। और देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ का। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं मरीन ड्राइव पे और ठीक मेरे सामने मरीन ड्राइव है। काफी शानदार व्यू है मरीन ड्राइव का और चलते हैं देखते हैं आगे। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं मरीन ड्राइव पे और व्यू देखिए यहाँ का। और जो है थोड़ा सा कोहरा है, कोहरा छाया हुआ क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और कोहरे की वजह से उतना साफ व्यू नहीं आ पा रहा है। ये देख सकते हैं ये है मरीन ड्राइव और इसके पास ही में है होलकर स्टेडियम और वानखेड़े स्टेडियम जहाँ पे क्रिकेट मैचेस होते हैं। और ये देख सकते हैं साथ में अरब सागर का व्यू और बहुत ही शानदार है आ रहा है। और ये गाइस एयर इंडिया का ऑफिस है और भी बहुत सारे ऑफिस यहाँ पे बने हुए हैं। तो गाइस हम अभी बैठे हैं मरीन ड्राइव पे और बहुत ही खूबसूरत जगह लगा मुझे मरीन ड्राइव। और देखिए और आप पीछे देख सकते हैं और बहुत ही शानदार लग रहा है यहाँ से। तो गाइस हम लोगों ने गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल और मरीन ड्राइव का इस वीडियो में कवर करने का सोचा था, तो इस वीडियो में यहीं तक। इसके बाद और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं जुहू बीच, और जुहू बीच का वीडियो देखने के लिए हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में आपको जुहू बीच का वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।